नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। बड़ौदा विधानसभा में चुनावी सियासी पारा हावी हो चुका है और पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जनता के बीच जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। इसी बीच हरियाणा विकास निगम की चेयरपर्सन और दादरी विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी रही बबीता फोगाट काफ़ी सुर्खियों में है। सुर्खियों में इस बात को लेकर है कि उन्होंने जो बड़ौदा में जो भाजपा के प्रत्याशी है योगेश्वर दत्त, उनकी एक सभा का आयोजन हो रहा था और उसमें जो है बबीता फोगाट उनका प्रचार करने के लिए आई हुई थी और सभा के दौरान उन्होंने एक असभ्य भाषा का उपयोग किया। तो इस बात को लेकर के तमाम जो दलित समाज के लोग हैं उनमें काफ़ी रोष है। आपको यहाँ यह भी बता दें कि हरियाणा के दलित एक्टिविस्ट रजत कलसन ने बकायदा हांसी के एसपी को लिखित में एक शिकायत भेजी है और जिसमें से जो रजत कलसन है उन्होंने कहा है कि बबीता फोगाट जो कि 2012 में जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी है और 2014 में कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने जो स्वर्ण पदक हासिल किया है और हरियाणा प्रदेश की खिलाड़ी है, और ऐसी भाषा का प्रयोग जो बबीता फोगाट ने किया है वो बिल्कुल इस देश के संविधान के खिलाफ है और इस देश का सामाजिक ताना बाना और भाईचारा है वो खराब हुआ है। और उन्होंने एसपी हांसी को लिखित शिकायत में कहा है कि बबीता फोगाट के खिलाफ मामला दर्ज हो और उनको हिरासत में लिया जाए। तो हम आपको वो वीडियो भी सुनाते हैं जिसमें से बबीता फोगाट है वो असभ्य भाषा का प्रयोग करती हुई नज़र आ रही है और जो दलित एक्टिविस्ट हैं रजत कलसन उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि बबीता फोगाट ने जिस प्रकार ये इस शब्द का जो असभ्य भाषा का प्रयोग किया है इसको लेकर के दलित समाज में काफ़ी रोष है और वो इन जैसे शब्दों को किसी भी हालत में जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आपको वो वीडियो सुनाते हैं, आप देखते रहिए द ग्राउंड नेटवर्क। आदर और सम्मान के योग हमारे बीच में पधारे जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी, जननायक जनता पार्टी से भूपेंद्र मलिक जी और बीजेपी और जेजेपी के सांझा प्रत्याशी मेरे बड़े भाई योगेश्वर दत्त जी, प्रदीप सांगवान जी, पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता जो दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी मातृ शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच में मेरे बड़े भाई योगेश्वर दत्त के लिए वोट की अपील करने के लिए आई हूँ। मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहूंगी। एक बार शायद मेरे बड़े भाई योगेश्वर को भी नहीं पता होगा तो मैं पहली बार आप लोगों को बता रही हूं कि योगेश्वर दत्त जी की 2012 ओलंपिक के अंदर फाइट हो रही थी और उनकी ब्रॉन्ज मेडल की फाइट थी, उनके आंख पे भी चोट लग गई थी। जब उनकी फाइट चल रही तो मेरी दादी वहां पे बैठ के देख रही थी, मेरा पूरा परिवार बैठा था, दादी भी बैठी थी, और जैसे ही वो जीते उनकी आंखों में आंसू और उनकी आंख पे चोट लगी देखकर मेरी दादी बोले डेढ़ नछोरे की आंख भी फोड़ दी। और उठ के उन्होंने टीवी पास जाके और वहीं से सिर पुचकार दिया। तो ये होता है आप लोगों का प्यार, ये है आप लोगों का सम्मान जो आपने हमेशा हमें दिया है। आंख पे चोट लगी देखकर मेरी दादी बोले डेढ़ नछोरे की आंख भी फोड़ दी।